पहली बात तो आपको मुबारक कि गुजरात में जो भव्य जीत हुई। बहुत शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। राजधानी देहरादून में बीजेपी ने बिलावल भुट्टो का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटाघर चौक बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में यह आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिलावल भुट्टो के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की बात भी कही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हदें पार कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। वहीं बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि आतंकवाद की जननी पाकिस्तान जो दिवालिया देश है, उसके विदेश मंत्री ने अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय भी दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद जहां पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के नेता हैं और बिलावल भुट्टो का मैं नाम तक नहीं लेना चाहता। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री वंश परंपरा का लगातार विरोध करते रहे हैं और बिलावल भुट्टो और उनका परिवार वंश परंपरा के तहत ही आगे चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको दिक्कत होना लाजमी है। सीएम दामिनी बिलावत भुट्टो पर तंज कसते हुए कहा कि मैं ऐसे लोगों का नाम तक नहीं लेना चाहता हूं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्होंने इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। देखिए पाकिस्तान पड़ोसी देश है लेकिन सीमाएं अपनी पार कर रहा है, एक देश के भारत के प्रधानमंत्री को नहीं। अभी तो G20 के जिसको अध्यक्षता करनी है, G20 के अध्यक्ष का अपमान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया। और मैं कह सकता हूँ तत्काल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उसे विदेश मंत्री से सरकार करना चाहिए। भारतवर्ष की आज जो जन आक्रोश है, ये केवल भारत का नहीं, आज विश्व के अंदर अनेकों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बयान की भर्त्सना की है। पाकिस्तान कंगाल की स्थिति में है, इसके बाद होगी ये दुनिया भी समझती है। तो ये क्या आपको लग रहा है? तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है और यही कड़ी जो है वो देहरादून में भी देखने को मिली, जहां बीजेपी ने बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया, अपना आक्रोश व्यक्त किया है। लंबी रैली निकाली गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो आक्रोश नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ये आक्रोश रैली निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान माफी मांगे और अपनी हद में रहे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हद पार कर रहा है। साथ ही बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की भी बात कही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी हद पार कर रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को तत्काल बर्खास्त कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भारत की मानसिकता इतनी ओछी नहीं है जितनी पाकिस्तान की। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और इस तरह से वो किसी भी एक संवैधानिक पद का अपमान नहीं करता है जिस तरह से पाकिस्तान लगातार करता रहता है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल कहते हुए नजर आए कि आतंकवाद की जननी पाकिस्तान
जो कि दिवालिया देश है, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए हैं, वही पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में लोग भुखमरी की कगार पर हैं, पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी नज़र भारत पे हमेशा बनी रहती है। लेकिन भारत झुकेगा नहीं, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तत्पर है। वहीं विदेश मंत्री ने अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय भी दिया है, ऐसा लगातार देश भर में कहा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है। देहरादून में आपने देखा किस तरह से सीएम धामी भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आए। फिलहाल ये जो आग है आक्रोश की, वो पूरे देश में नजर आ रही है। ये मामला कब शांत होता है, क्या पाकिस्तान इस पर माफी मांगता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। पहली बात तो आपको मुबारक कि गुजरात में जो भव्य जीत हुई। और शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है।